Hi guys, very welcome to my YouTube channel. Hope you guys all are doing great. So today's video is a styling video. यहाँ पे मैंने एक red silky skirt को style किया है 3 different ways में. This is especially for the Navratri festival. यहाँ पे मैंने 3 different looks create किए हैं and these looks are dedicated to the Dandiya and Garba night. So hope you guys like my video. And अगर आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया then please do subscribe to my channel and let's get started. दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट लुक एंड यहाँ पर मैंने मेकअप थोड़ा सा लाउड किया बिकॉज दिस इज़ फॉर द नाइट टाइम एंड मेकअप मेरा तीनों लुक्स में सेम ही रहेगा. ज्वेलरी के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक इयरिंग्स, ब्लैक नेकलेस पहने हैं, बैंगल्स पहने. सो गाइज, इन दिस फर्स्ट लुक यहाँ पर मैंने रेड स्कर्ट को पेयर किया है अपने एक ब्लैक टॉप के साथ एंड इस ब्लैक टॉप में काफ़ी अच्छी भरी भरी एम्ब्रॉयडरी है जो कि एक चोली कट का लुक देती है. तो ये जो पूरा लुक है ये एक स्कर्ट टॉप काइंड ऑफ लुक है एंड ये उन लड़कियों के लिए है जो थोड़ा सा फ्री रहना चाहती हैं, दुपट्टे का हेडक नहीं लेना चाहती है. तो या यू कैन जस्ट गो फॉर दिस स्कर्ट टॉप लुक एंड जो आपका टॉप है वो अगर थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला है तो ये आपका पूरा डांडिया गरबा नाइट के लिए परफेक्ट हो जाता है. एंड यहाँ पर मैंने हेयर स्टाइल को काफ़ी हाई पोनी बनाया है एंड बाल को मैंने बिल्कुल भी ओपन नहीं रखा बिकॉज दिस लुक डेडिकेटेड टू दोज पीपल जो थोड़ा सा फ्री रहना चाहते हैं, कुछ झंझट नहीं करना चाहते हैं. तो ये लुक उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है एंड इसलिए मैंने हाई पोनी भी बनाई है कि आप बिल्कुल भी बालों से भी टेंशन फ्री होकर आप डांस करो. एंड ज्वेलरी में के लिए मैंने यहाँ पर टॉप्स लिए हैं थोड़े से बड़े बिकॉज अगर आप लॉन्ग इयरिंग लेते हो ना तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए कैरी करना मुश्किल हो जाता है. तो आपके पास अगर टॉप्स हैं तो आप जस्ट गो फॉर द टॉप्स बिकॉज क्या होता है जब आप बालों को बांध लेते हो तो आपका इयरिंग्स काफ़ी हाईलाइट होता है. तो इसलिए आप आपके कान के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपके कान को ना भरा भरा दिखाए. एंड गला मेरा थोड़ा सा डीप था तो मैंने एक ब्लैक कलर का ट्राइंगल शेप में नेकलेस पहन लिया है एंड बैंगल्स मैंने पहन लिए हैं. बस दैट्स ऑल फॉर दिस लुक. तो काफ़ी इजी सिंपल गोइंग लुक है एंड अगर आपको भी ऐसे तामझाम ज़्यादा नहीं पसंद है यू कैन जस्ट पेयर योर टॉप एंड विद स्कर्ट एंड जस्ट गो फर्दर. हेयर स्टाइल भी मैंने टाई अप कर लिया. अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप जूड़ा बना सकते हो, बन बना सकते हो. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस सिंपल लुक एंड चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ. सेकेंड स्टाइल, आई विल स्टाइल दिस रेड स्कर्ट विद अ ब्लू कलर शॉर्ट कुर्ती एंड ये उन लोगों के लिए है जो अपना वेस्ट लाइन हाईलाइट नहीं करना चाहते. सो यू कैन जस्ट ट्राई अ कुर्ती विद अ स्कर्ट. एंड ज्वेलरी के लिए मैंने यहाँ पे मल्टी कलर का एक नेक पीस पहना है, उसी के साथ मैचिंग के इयररिंग्स थे तो वो मैंने पहन लिए हैं. एंड हेयर स्टाइल मैंने सेम ही रखा है, हाई पोनी बनाई है. आप चाहो तो अगर आपके बाल लंबे तो आप बन भी बना सकते हो. सो गाइज, दिस स्टाइल इज़ ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल स्टाइल. लाइक अगर आप शॉर्ट कुर्ती स्टाइल करते हो तो आपका स्कर्ट भी पूरा हाईलाइट होता है इंस्टेड ऑफ अगर आप लॉन्ग कुर्ती लेते हो तो वो उसमें आपका स्कर्ट थोड़ा छुप जाएगा. बट शॉर्ट कुर्ती अगर आप लेते हो स्कर्ट के साथ तो आपका स्कर्ट पूरा शो होता है. तो ये लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है. इसमें आपकी वेस्ट लाइन नहीं दिखती है तो ये स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको अपनी वेस्ट लाइन शो नहीं करनी है. सो आप एक शॉर्ट कुर्ती अपनी स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हो एंड आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट फॉर द गरबा एंड डांडिया नाइट. सो मूविंग फॉरवर्ड, माई थर्ड स्टाइल इज़ टोटली ट्रेडिशनल एंड ये उन लोगों के लिए है जो स्कर्ट एंड टॉप में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं. तो यहाँ पे मैंने अपनी रेड स्कर्ट को स्टाइल किया है एक ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ एंड यहाँ पे मैंने दुपट्टा भी लिया है. ये सिल्क का दुपट्टा था मेरे पास तो मैंने यहाँ पे सब कुछ मिक्स एंड मैच किया है. मेरा ब्लाउज जो है एंड दुपट्टा सब कुछ मिक्स एंड मैच किया है. यहाँ पे मैंने ज्वेलरी के लिए एक नेक पीस पहना है एंड लिपस्टिक भी मैंने यहाँ थोड़ा सा डार्क कलर की यूज़ की है. इयररिंग्स पहने हैं गोल्डन कलर के एंड मैंने यहाँ पे बेल्ट ऐड की है बिकॉज बेल्ट ऐड करने से काफ़ी अच्छा लुक निकल के आया था. अदरवाइज आपको डांस करना रहता है तो आपका दुपट्टा इधर उधर भागता रहता है तो इसलिए अगर आप बेल्ट लगा लोगे तो ना आपका दुपट्टा जो है वो एकदम सिक्योर हो जाता है. इसलिए मैंने यहाँ पे बेल्ट यूज़ किया एंड बालों को भी मैंने यहाँ ओपन रखा बिकॉज दिस इज़ अ ट्रेडिशनल लुक. तो इसमें बंधे हुए बाल अच्छे नहीं लगते. अगर आप बाल ओपन रखते हो तो थोड़ा सा लुक ओवरऑल लुक ना अच्छा लगता है. तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बालों को ओपन कर लिया है सेंटर पार्टीशन करके. मैंने बालों को हाफ क्लच लगाया है. सो या गाइज, दिस इज़ माई ओवरऑल लुक एंड दिस इज़ आई थिंक परफेक्ट फॉर द नवरात्रि डांडिया गरबा फेस्टिवल. सो होप यू लाइक माई वीडियो. अगर वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल.